आज के शॉट जाते हैं प्रथम सावंत को, टेक वेंगर को, अमित केलानी को, प्रिंस गेमिंग को एंड जीशान प्लेस को। अगर आप लोगों को शॉट होती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को शॉट आउट मिल जाएगा। सो हे वोडी सभी, अमर क्या हाल चाल है तुम सभी लोग, एंड उम्मीद करता हूँ तुम सभी लोग बढ़िया होंगे। एंड आज मैं तुम लोग लेके आया हूँ काफ़ी मज़ेदार वाली वीडियो, जिस वीडियो को देखने का तुम लोग को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाने वाला है, क्योंकि आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ टॉप 3 रेस्टोरेंट बिल्ड, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और यूज़फुल भी होने वाला है तुम लोगों की सर्वाइवल वर्ल्ड के लिए। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना, क्योंकि हर एक स्टेप तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर तुम इस बिल्ड को बना चाहते हो। सो जा रहे हैं इन्वेस्ट करते हुए, डायरेक्ट पहले बिल्ड की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पर जो चीज़ों की हमको जरूरत पड़ने वाली है वो यहाँ पर मैं ले ली है। हमको चाहिए एक चेस्ट एंड खोपर एंड फर्नेस। फर्नेस यार आप जो लेना चाहते हो ले सकते हो, फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस या फिर स्मोकर। अभी स्मोकर जो है खाना जल्दी पका जाता है, एंड ब्लास्ट फर्नेस ज़्यादा जो है जल्दी कर देता है स्मेल चीज़ों को। एंड ये मैंने एक टेम्परेरी ब्लॉक ले लिया है, आपको कोई सा ब्लॉक ले सकते हैं आप लोग। एंड तुम लोगों को खाली बस यार यहाँ पर इस एक चेस्ट को प्लेस कर देना है कुछ इस तरीके से, एंड इसके ऊपर तुम लोग को रखना है हॉपर। एंड यहाँ पर हम होपर लेते हैं, एंड इसके ऊपर तुम लोग को बस प्लेस करना है इस तरीके से होपर क्राउच होकर। एंड इस तरफ तो इसके ऊपर है जो है तुमको रख देनी है फर्नेस, फर्नेस ब्लास्ट फर्नेस कुछ भी ले सकते हो तुम। यहाँ पर मैं फर्नेस रख देता हूँ। एंड इधर की तरफ हमको रख देना एक होपर लगा देना इधर की तरफ, एंड एक होपर हमको लगा देना ऊपर की तरफ। ये साइड वाला लगा है तुम लोग पीछे भी लगा सकते हो। सो मैंने कुछ इस तरीके से लगा दिया यहाँ पर। एंड अब हम यहाँ पर जो है हम स्मेल वाला करते हैं, एक तरफ बनाते हैं हम खाने के लिए। एंड इसे इनके ऊपर हमको रख देनी है एक एक चेस्ट, जो हॉपर हमने ऊपर लगाया इनके ऊपर हमको लग देनी है चेस्ट। सो हमको यहाँ पर क्राउच होना पड़ेगा। एंड यहाँ पर मैंने एक चेस्ट इधर रख दी, एंड एक चेस्ट को जो है हमको इधर रख देना है। सो कुछ इस तरीके से हमारा बिल्ड हो चुका है। एंड अब हम करते हैं हमारा खाने वाला बिल्ड, जिसमें हम खाना वाला सब रखेंगे, जिसमें हम इस ब्लास्ट ये फर्नेस की जगह जो है हम रख देंगे। सो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से दोबारा से एक चेस्ट प्लेस कर देते हैं, थोड़ा दो ब्लॉक छोड़ के करते हैं। एंड इसके ऊपर हमको रख देना है होपर, एंड यहाँ पर मैं होपर रख देता हूँ। एंड इसके ऊपर हम रख देते हैं स्मोकर, एंड इधर साइड में हम एक और बार लगा देते हैं होपर, कुछ उस तरीके से सेम टू सेम हमको बनाना है। एंड इसके ऊपर भी ये, एंड इधर एक चेस्ट, एंड इधर एक चेस्ट, एक सेकेंड भाई अंदर का घुस रहा है। सो यहाँ पर तुम लोग देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से मैंने इसको बना दिया है। एंड जो हम जो हमने ब्लॉक लिए थे उससे हम थोड़ी इसको अच्छी लुक दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम ब्लॉक लगा देते हैं यहाँ पर, एंड इधर की तरफ जहाँ जहाँ भी खाली जगह बची है वहाँ पर हम ब्लॉक को लगा देते हैं। एंड इधर की तरफ हमको नहीं लगाना है, क्योंकि अभी हमारी चेस्ट नहीं खुल पाएगी अगर हम वहाँ पर लगा देते हैं। सो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम इन टेम्परेरी ब्लॉक को लगा देते हैं, आप कोई सा ब्लॉक ले सकते हो, मैंने क्वार्ट्ज ब्लॉक को यूज़ करा है। एंड इधर भी, एंड इधर भी मैं लगा देता हूँ। सो अभी तुम लोग देख पा रहे हो हमारा बिल्ड कुछ इस तरीके का दिख रहा है। एंड अब तुम लोग का क्या करना है कि हमारा जो भी खाने का सामान, जैसे हमको कुछ स्मेल करना है थोड़ी और वगैरह ले लेते हैं यहाँ से। एंड मैं कोल की जगह ये यूज़ कर लेता हूँ कैल्प ब्लॉक। सो यहाँ पर मैंने कैल्प ब्लॉक ले लिया। एंड यहाँ पर हम कोई और वगैरह ले लेते हैं, जैसे आयरन की और हो गई। एंड अब तुम लोग को क्या करना है, जैसे काफ़ी टाइम होता है कि हम लोग को 3-4 चीज़ों को एक साथ रखना है, बार बार हमको रख फर्नेस में रखने आना पड़ता है, हम कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हमारा। तो तुम लोग क्या करना है, अब जैसे मैं एक और ले लेता हूँ यहाँ पर, दूसरी मैंने डायमंड की और भी ले ली। तो अब तुम लोग को क्या करना है, इस इधर ऊपर वाली में जो है इन और को रख देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये रख दी और। एंड इधर की तरफ तुम लोग को डाल देना है कैल्प ब्लॉक। एंड काफ़ी अब जैसे इसमें गया है डायमंड की और चली गई अब इसमें, है ना। सब इससे क्या होगा कि जो है अब इसमें आयरन की आ रही है, क्योंकि मैंने आयरन की फर्स्ट में रख दी। अब जैसे डायमंड की सारी जो है स्मेल्ट हो जाएगी, फिर तुम्हारा आयरन आना शुरू हो जाएगा। एंड इधर जो भी डायमंड की जो भी चीज़ें तुम्हारी स्मेल्ट होती है वो सारी इस चेस्ट पर आकर इकट्ठी हो जाएगी। अब तुम लोग को बार बार आकर चीज़ें इसमें रखनी नहीं पड़ेगी। अब जैसे कि ये है, इसमें भी हम ले लेते कोई फूड। अब जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, या मैंने रो चिकन ले लेता हूँ, एंड यहाँ पर ये दो ले लेता हूँ। एंड इधर मैं एक को लेता हूँ कैल्प ब्लॉक, यहाँ पर मैं कोल को यूज़ कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर तुम लोग को रखना है पर इसमें कोल, एंड ऊपर वाले मेरा तुम लोग को रख देना है अपना खाना। सो यहाँ पर मैंने ये रख दिया। एंड अब तुम लोग देख पा रहे हो ये चालू हो चुका है, एंड इसमें खाना वाना सब पक जाएगा। एंड इधर की तरफ तुम लोग देख पाओगे अभी हमारे 5 डायमंड इसमें आ चुके हैं। सो इस तरीके से वर्क करता है, एंड काफ़ी बढ़िया बिल्ड है तुम्हारे लिए सर्वाइवल सीरीज़ को यूज़ करने के लिए। सर्वाइवल सीरीज़ में काफ़ी अच्छा है क्या, एंड तुम लोग इसको काफ़ी आसानी से बना सकते हो। एंड जैसे यहाँ पर ब्लास्ट फर्नेस का भी तुम एक और बना सकते हो, जैसे कि हमने सेम टू सेम ऐसा बनाया, इधर हम ब्लास्ट फर्नेस का भी बना सकते हैं। सो अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट एक की तरफ।
सो अब जो हमारा नेक्स्ट बिल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ा होने वाला है एंड तुम लोग देख पा रहे हो ये चीज़ें मैंने ले ली है। अब ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। अब तुम लोग को आर्मर पहनने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती होगी, इन्वेंट्री खोल के फिर पहनना होता है, बस तुम लोग एक बटन दबाना है तुम्हारा पूरा का पूरा आर्मर जो है तुम इक्विप कर सकते हो। सो सबसे पहले मैं तुम लोग बताता हूँ, यहाँ पर एक ब्लॉक खोलना है एंड यहाँ पर हमको लगा देना है डिस्पेंसर, एक डिस्पेंसर हमको यहाँ पर लगाना है एंड एक और डिस्पेंसर हमको इसके ऊपर लगा देना है एंड यहाँ पर हम एक टेम्परेरी ब्लॉक भी ले लेते हैं जिसकी हमको ज़रूरत पड़ने वाली है एंड इधर से हमको यहाँ पर एक ब्लॉक लगा देते हैं। अरे भैया क्राउच हो। एंड यहाँ पर हमको जो है कुछ इस तरीके से ब्लॉक यहाँ पर कुछ इस तरीके लगा देना है एंड अब हमको यहाँ नीचे खड़ा हो जाना है एंड यहाँ पर हमको लग देना है एक और डिस्पेंसर। अब यहाँ पर जो हमने रेडस्टोन लिया उसको रेडस्टोन को डस्ट को यहाँ पर हमको रख देना है कुछ इस तरीके से एंड ऊपर की डिस्पेंसर की तरफ तुम लोग को लगाना है बटन। अब इन जो भी डिस्पेंसर इन पर तुम लोग को लगा देना आर्मर। लोग को नीचे वाले में लगाना है ये शूज़, जैसे कि यहाँ पर तुम लोग को साइड में जो है क्लिक करना पड़ेगा। मैं तुम लोग को बताता हूँ, रेडस्टोन लगा दिया हमने तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। पहले हम रेडस्टोन हटा देते हैं यहाँ से, इसमें हम रख देते हैं बूट्स, नीचे वाले में हम रखेंगे बूट एंड दुबार से हम यहाँ पर रेडस्टोन रख देते हैं एंड इधर वाले में तुम लोग को रखना है पैंट्स एंड काफ़ी बढ़िया बिल्ड है ये, तुम लोग को मज़ा आ जाएगा देखते ही। एंड इसमें रख देनी तुम लोग को चेस्ट प्लेट एंड ऊपर वाले में रख देनी तुम लोग को हेलमेट। तो अब तुम लोग का पूरा बिल्ड हो चुका है एंड तुम लोग इसको बिल्ड इन ब्लॉक से अच्छी लुक भी दे सकते हो साइड में ब्लॉक वगैरह लगा के। फिलहाल मैंने इतना लगा के बता दिया, अब बस तुम लोग को मैं तुम लोग को बताता हूँ। अभी मेरे पास कोई भी आर्मर नहीं पहना है मैंने, ये देखो मेरे पास अभी कोई भी आर्मर नहीं पहना हुआ है मैंने। तो तुम लोग को बस खाली ऊपर करना है और यहाँ पर एक बटन दबा देना है एंड अभी तुम लोग देखना चमत्कार। एंड यहाँ पर तुम लोग देख पा रहे हो ये कितना बढ़िया बिल्ड है, इसको दबाते ही हमारे पूरा का पूरा आर्मर जो है आ चुका है एंड तुम लोग काफ़ी बढ़िया जो है सर्वाइवल में भी काफ़ी अच्छे से बना सकते हो। खाली बस डिस्पेंसर बटन और रेडस्टोन ही चाहिएगा हमको एंड यही था हमारा सेकेंड बिल्ड एंड अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड बिल्ड की तरफ। सो अब जो हमारा नेक्स्ट बिल्ड है उनको बनाने के लिए ये चीज़ें जो हमको ज़रूरत पड़ेगी, एक चाहिएगा हमको फर्नेस एंड एक रेडस्टोन डस्ट एंड प्रेशर प्लेट एंड कोई सा ब्लॉक एंड रेडस्टोन रिपीटर लेना है हमको, मैंने गलती से कंपेरेटर ले लिया एंड एक हमको लेना है स्टिकी पिस्टन। सो ये चीज़ें कि हमको जरूरत पड़ने वाली है एंड सबसे पहले जो है हमको रख देना है कुछ ऊपर की तरह साइड करके ये एंड हाँ हमको एक जो है वो भी लेना है, क्या नाम है, स्लाइम ब्लॉक एंड वेयर इज अस। तो स्लाइम ब्लॉक लेने के बाद तुम लोग को कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है स्लाइम ब्लॉक लगा देना है एंड इसके नीचे इस तरफ जो है चारों तरफ तुम लोग को फर्नेस लगा देनी है इसके कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर फर्नेस इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि जो है ये फर्नेस जो है स्लाइम ब्लॉक के साथ जो है ऊपर चिपक के नहीं जाएंगे, ताकि दूसरे ब्लॉक जो है स्लाइम ब्लॉक के साथ चिपक जाते हैं और वो भी स्लाइम ब्लॉक के साथ जो है ऊपर चले जाएंगे हमारे पिस्टन से जो हम कनेक्शन करेंगे। एंड अब हम तुम लोग को करना है यहाँ पर एक सेकेंड रेडस्टोन रिपीटर को जिससे किसे रख देना है एंड यहाँ पर लगा दिए रेडस्टोन डस्ट एंड यहाँ पर जो हमने ब्लॉक लिया था उनको कुछ लगा देना है इस तरीके से यहाँ पर एंड इधर। सही होने के बाद अब तुम लोग को जो है अच्छी लुक दे देते हैं हम इसको थोड़ा सा और इधर से भी हम ब्लॉक लगा देते हैं ताकि इसकी लुक थोड़ी अच्छी दिखे एंड ये भी हो गया। एंड अब तुम लोग को ले लेनी प्रेशर प्लेट एंड प्रेशर प्लेट को यहाँ पर रख देना है एंड ये भी मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ अब तुम लोग देख पा रहे हो। अब ये बिल्ड जो है सिर्फ जो है जावा एडिशन वालों के लिए है क्योंकि यहाँ पर तुम लोग देख पा रहे हो ये जो है सिर्फ जावा एडिशन में ही वर्क करता है एंड वैसे हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, अगर हम इसको यहाँ से हटा देंगे। सो यहाँ पर मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई थी, तुम लोग को फर्नेस नहीं रखना कुछ इस तरीके से लगा देना है एक सेकेंड, यहाँ पर प्रेशर प्लेट हमको नहीं लगानी है एंड यहाँ पर तुम लोग इस तरीके से रेडस्टोन का जो है कर देना है एंड यहाँ पर रिपीटर हटा देना है एंड कुछ इस तरीके से जो मैंने पहले बताया था वो खाली जावा एडिशन में वर्क करता है एंड ये पोकेट एडिशन के लिए है। तो इसे लग देना है तुम लोगों को चारों तरफ, उसके ब्लॉक नहीं लगाने वरना वो भी जो है चिपक के आ जाएंगे एंड इधर हम थोड़े से ब्लॉक भी लगा देते हैं ताकि हम यहाँ पर दौड़ पाए एंड यहाँ पर हमको स्प्रिंट करके इसको यूज़ करना है तभी ये वर्क करेगा एंड यहाँ पर हमको साइड से आना है एंड तुम लोग देख पा रहे हो हम जंप कर रहे हैं एकदम से, ये देखो एकदम से हम इस पर जंप कर रहे हैं एक सेकेंड देखना, ये देखो बस हमको थोड़ा सा ढंग से आना है एंड फिर हम एकदम जंप कर जाएंगे, एक बार हम ट्राई करते हैं। ये देखो थोड़ा स्प्रिंट करके आना पड़ेगा हमको बस जैसे कि मैंने बताया था एंड अभी मैं स्प्रिंट करके नहीं आ रहा हूँ खुद ही। सो यहाँ पर हम थोड़ा सा और एरिया बढ़ा देता हूँ ताकि हम यहाँ पर थोड़ा स्प्रिंट वगैरह कर पाए एंड इधर से आएंगे हम, इधर से दौड़ते हुए आना है हमको एंड इधर की तरफ तुम लोग देख पा रहे हम काफ़ी बढ़िया जंप कर पा रहे हैं एंड बस तुम लोग को ध्यान रखना है कि हमको स्प्रिंट करके आना है
तो फिर हम काफ़ी बढ़िया तरीके से जंप कर पाएंगे। सो यही थी आज की छोटी सी वीडियो एंड काफ़ी, एंड तुम लोग बताना इसका तुम लोग को नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं। एंड काफ़ी टाइम बाद मैंने कुछ बिल्ड का डाला है वीडियो पर, चैनल पर। सो ये बताना तुम लोग को वीडियो कैसा लगा, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर गई नहीं हो सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो में इतना, एंड मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।